में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने हर घर खादी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि खादी केवल वस्त्र ही नहीं, यह विचार है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से भी कहा है कि वह खादी कपड़ों का प्रयोग करें। स्थानीय उत्पाद के आधार पर जो बातें आती हैं उसको हम सभी लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, जिसके लिए शासन ने भी लोकल फॉर वोकल का अभियान चलाया है। खादी यहाँ का उत्पाद है, उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार ने बंद हुए कमीशन को भी देने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बुधवार से हर घर खादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी लोग एक वस्त्र खादी का पहने, जिसको देखते हुए खादी कपड़े को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 40% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे सभी नागरिकों से अपील है कि एक कपड़ा खादी का पहने, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। इससे भारत का पैसा भारत में रहेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, कितना पड़ी, कितना 140 के आसपास पड़ेगा। कहीं टिकाऊ कहीं जाने वाला नहीं है ये खादी। अरे अपना पूरा स्टोर ओडीओपी के लिए दे दिया है। खादी वस्त्र नहीं विचार है, यह शब्द आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सांसदों तक को इस बात के लिए आग्रह किया कि देखिए, स्थानीय उत्पाद के आधार पर जो बातें आती हैं उसको हम सभी लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसी नाते उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आप लोगों को बोलना चाहिए। खादी भी यहाँ का उत्पाद है तो उस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस नाते भारत सरकार ने बंद हो गए खादी के जो कमीशन है उसको भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर के ही श्रीमान रमाशंकर शुक्ल जी ने इस बात को कहा था कि हम चूँकि यह कार्य कर रहे हैं, इस नाते खादी के वस्त्र को सभी लोग स्वीकार करें, भले ही ये कई वस्त्र लें लेकिन स्वीकार करें। उस क्रम में आज इन्होंने खादी के वस्त्रों का एक प्रदर्शन किया है, यहीं पर वो उनका टेलर भी है, वो नाप लेगा और इसमें 40% छूट भी ये दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां गांधी आश्रम इत्यादि में थोड़ी छूट कम है लेकिन ये उससे अधिक दे रहे हैं, 30 से 40 को बढ़ा करके 40% दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए सराहना मैं इनकी करता हूं और खादी को प्रधानमंत्री जी के आह्वान के आधार पर जो प्राथमिकता देने का काम ये कर रहे हैं इसके भी प्रशंसा के पात्र हैं। देखिए, संदेश की स्थिति ये है कि पहले हम लोगों सभी लोगों के परिवार में चरखा, अंबर चरखा ये रहा करता था और उससे लोगों को वस्त्र भी मिलता था और वस्त्र के साथ ही साथ लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती थी। वो बंद हो गया। आज धीरे धीरे पुनः प्रधानमंत्री के आह्वान पर उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति तक जा कर के गुजरात में बापू के आश्रम में वहाँ चरखा कातने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति जी भी इसको बढ़ावा देते हैं, प्रधानमंत्री बढ़ावा देते हैं, तो मेरा यह मानना है कि सभी लोगों को कम से कम एक वस्त्र जरूर खादी का पहनने का काम करना चाहिए, जिससे ये लगे कि यहाँ के उत्पाद को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारा यह पैसा यहीं पर रहे, बाहर न जाए। मिलों का पैसा जो बाहर जाता है वो न जाए, भारत का पैसा भारत में रहे, तो इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।